सो हेलो स्टूडेंट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के हम लोग अगले पार्ट में आ गए थे और लास्ट पार्ट के लास्ट जो सेक्शन था उसमें हम लोगों ने गैमिटोजेनेसिस को देखा था। और गैमिटोजेनेसिस में कुछ एबनॉर्मेलिटी जो होती हैं उन एबनॉर्मेलिटीज़ को भी हमने नोट किया था कि वो एबनॉर्मेलिटी किससे रिलेटेड होती हैं। आगे हम इन एबनॉर्मेलिटी से क्या क्या सिचुएशन आती है और क्या उन सिचुएशंस का करेक्शन होता है वो हम देखेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। अभी हम देखेंगे कि गैमिटोजेनेसिस के बाद हमारा जो अगला पार्ट है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमिट, फीमेल गैमिट के फॉर्मेशन का जो पार्ट है उसे हम यहाँ पर देखने वाले हैं और उस पार्ट को हम कहते हैं ऊजेनेसिस। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट आता है ऊजेनेसिस। ऊजेनेसिस क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमिट। फीमेल गैमिट के फॉर्मेशन का प्रोसेस है जिसे हम ऊजेनेसिस कहते हैं। एंड इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ और मैचुरेशन ऑफ ओवम। तो हमने एक कंपैरिजन बताया था स्पर्मेटोजेनेसिस और ऊजेनेसिस का कि ऊजेनेसिस स्टार्ट होता है इन द एम्ब्रियो स्टेज ऑफ फीमेल। फीमेल की एम्ब्रियो स्टेज में ये स्टार्ट हो जाता है और जितनी भी फॉलिकल सेल्स हैं ये सभी फॉलिकल सेल्स फीमेल की बर्थ के पहले ही बन जाती हैं। फॉलिकल सेल्स क्या होती हैं? वो सेल्स जो आगे जाके ओवम बनेंगी, ठीक है, उन्हें फॉलिकल सेल्स कहा जाता है। और ये सभी फॉलिकल सेल्स फीमेल की बर्थ के पहले ही बन जाती हैं। फीमेल की बर्थ के बाद कोई भी नई फॉलिकल सेल नहीं बनती, ठीक है, याद रखना है। आफ्टर बर्थ ऑफ फीमेल नो न्यू फॉलिकल सेल्स आर फॉर्म, यानी जिनको हम देखेंगे कि उनको हम ऊगोनिया कहते हैं, तो कोई नया ऊगोनिया नहीं बनेगा, ठीक है। सो ऊजेनेसिस प्रोसेस होता है, इट इज़ द फॉर्मेशन एंड मैचुरेशन ऑफ ओवम। सो ओवम के फॉर्मेशन और मैचुरेशन का प्रोसेस है। ओवम क्या है? ओवम वो फीमेल सेल है जिसको हम फीमेल गैमीट कहते हैं, फीमेल की बॉडी में पाई जाती है। इट टेक्स प्लेस इन ग्रेफियन फॉलिकल, ठीक है। ये प्रोसेस कहाँ होता है ओजेनेसिस? ग्रेफियन फॉलिकल। ग्रेफियन फॉलिकल क्या है? इट इज़ द मैच्योर्ड फॉर्म ऑफ ओवेरियन फॉलिकल, ठीक है। जो सबसे मैच्योर फॉर्म होता है वो ग्रेफियन फॉलिकल होता है। सबसे पहले प्राइमोर्डियल फॉलिकल होता है, फिर प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल और फिर उसके बाद ग्रेफियन फॉलिकल। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी के बाद ग्रेफियन फॉलिकल बनता है और इसलिए ग्रेफियन फॉलिकल को सबसे मैच्योर्ड फॉर्म माना जाता है, ठीक है। हम देखेंगे ऊजेनेसिस इज इनिशिएटेड इन एम्ब्रियोनिक स्टेज व्हेन मिलियंस ऑफ एग मदर सेल्स आर फॉर्म्ड विद इन ईच ओवरी। तो बात आती है कि ऊजेनेसिस का स्टार्ट होता है फीमेल के एम्ब्रियो स्टेज में एंड मिलियंस ऑफ एग मदर सेल बनती हैं इन एम्ब्रियो स्टेज। नो मोर ऊगोनिया और नो मोर फॉलिकल सेल्स आर फॉर्म्ड एंड एडेड आफ्टर बर्थ। तो बर्थ के बाद, फीमेल के बर्थ के बाद कोई नई फॉलिकल सेल ना बनती है ना ही ऐड होती है, ये पॉइंट को याद रखना। इसलिए हमने बोला था कि फीमेल गैमेट की एज जो है मेल गैमेट से 12 टू 13 या 15 ईयर्स ज़्यादा होती है, ये पॉइंट को हमें याद रखना, ठीक है। ऊगोनियम मल्टीप्लाइज टू फॉर्म प्राइमरी ओसाइट एंड दे एंटर इन टू प्रोफेज वन ऑफ द मियोसिस एंड गेट टेम्परेरली अरेस्टेड एट दैट स्टेज। हम डिस्कस करेंगे कि कौन से स्टेज में ये अरेस्ट होता है, क्यों ये प्रोसेस एक समय के लिए बड़ा स्लो हो जाता है, ठीक है। अगर ये एम्ब्रियो स्टेज में ही प्रोसेस शुरू हुआ था और इस प्रोसेस को कम्प्लीट होने में 12 टू 13 कभी कभी 15 ईयर्स भी लग जाते हैं, तो कैसे ये प्रोसेस इतना लंबा टाइम क्यों लेता है, ठीक है। अगर आपको सेल डिवीजन याद हो तो इसका आंसर पता होगा, और अगर नहीं याद हो तो अभी हम आपसे आंसर इसका डिस्कस करेंगे। सो ऊगोनिया मल्टीप्लाई करता है और ये मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो होता है किससे? बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस से डिवाइड करता है और अपना नंबर को बढ़ाता है। एंड दे एंटर इनटू प्रोफेज वन ऑफ मियोसिस। मियोसिस के प्रोफेज वन में एंटर कर जाता है और टेम्परेली अरेस्ट हो जाता है। अरेस्ट होना मतलब वो एक स्टेज पे जाके उसकी जो सेल्स हैं, उसकी जो सिचुएशन है वो, उसका जो डिवीजन है वो ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। तो हम इस, अगर डायग्राम में देखें तो डायग्राम में हमें सबसे पहले जो स्टार्टिंग है वो हम देख रहे हैं प्राइमोर्डियल फॉलिकल का, ठीक है। प्राइमोर्डियल फॉलिकल
हमें सेल्स दिख रही हैं, प्राइमोर्डियल फॉलिकल स्ट्रक्चर है। ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल डेवलप होता है तो प्राइमरी फॉलिकल बनता है, प्राइमरी फॉलिकल आगे चल के डेवलप होता है, सेकेंडरी फॉलिकल बनता है, देन टर्शरी फॉलिकल बनता है। ये फॉलिकल पूरा उन सेल्स का पूरा ग्रुप है जिसके अंदर फीमेल गैमीट डेवलप हो रहा है। और जो गैमीट डेवलप हो रहा है वो किस फॉर्म में डेवलप हो रहा है, तो सबसे पहले प्राइमोर्डियल फॉलिकल सेल्स के फॉर्म में होता है, उसके बाद भी ये प्राइमरी ओसाइड बन जाता है। और जब प्राइमरी ओसाइड धीरे धीरे मैच्योर होता है, सो वो मैच्योर होता है तो वो बन जाता है सेकेंडरी ओसाइट। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि कैसे ये सेकेंडरी ओसाइट का ओवुलेशन होता है, नॉट इवोल्यूशन, ओवुलेशन होता है जब ये ग्रेफियन फॉलिकल से बाहर निकलता है। यहाँ पर एक पॉइंट आ रहा है फॉलिकुलर फ्लूइड, तो यहाँ हमें एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी दिख रही है, इस कैविटी को हम बोलते हैं एंट्रम, इसके बारे में आगे डिटेल में आएगा। ठीक है, और एंट्रम कैविटी जो है ये सेकेंडरी फॉलिकल में पाई जाती है। ठीक है, सेकेंडरी फॉलिकल में इसका जो है फॉर्मेशन रिमार्केबल हो जाता है और हम इसे सेकेंडरी फॉलिकल का हम एक डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर कहते हैं कि सेकेंडरी फॉलिकल में हमें एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी मिलती है और उस कैविटी को हम कहते हैं एंट्रम कैविटी। ठीक है, तो इस पॉइंट को हमें याद रखना है बच्चों। नेक्स्ट आते हैं अगले इसके डायग्राम में, और इसके डायग्राम में हम बात करें तो ईच प्राइमरी ओसाइट्स गेट सराउंडेड बाय ए लेयर ऑफ ग्रैंडुलोसा सेल्स। तो सभी प्राइमरी ओसाइट्स सराउंड होती हैं किससे, लेयर ऑफ ग्रैंडुलोसा सेल्स। ये ग्रैंडुलोसा सेल्स क्या है, मैंने बताया था कि जब जब इसमें फॉलिकल सेल्स बनती हैं तो वो फॉलिकल सेल्स पूरा एक ग्रुप बना लेती हैं, और उस ग्रुप में कोई एक सेल ही मैच्योर होकर ओवम बनाएगा, तो बाकी जो सेल्स हैं वो अलग अलग लेयर्स के फॉर्म में अरेंज हो जाती हैं, और उसी में से एक लेयर है ग्रैनुलोसा लेयर, और उसकी सेल्स को हम ग्रैनुलोसा सेल्स कहते हैं। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट सेल लेयर है क्योंकि ये सेल लेयर हार्मोन सिक्रीशन में बड़ी इफेक्टिवली पार्टिसिपेट करती है। ठीक है, ये सेल लेयर हार्मोन सिक्रीशन में बहुत इफेक्टिवली पार्टिसिपेट करती है, इस पॉइंट को हमें याद रखना है। ठीक है, अ लार्ज नंबर ऑफ प्राइमरी फॉलिकल डीजेनरेट्स ड्यूरिंग द फेज। सो हमने पढ़ा है भाई, जब फॉर्मेशन होता है तो मिलियंस ऑफ सेल बनती हैं, और उसमें से लार्ज नंबर ऑफ सेल्स जो है वो डीजेनरेट होती हैं। लार्ज नंबर ऑफ सेल्स डीजेनरेट ड्यूरिंग द फेज फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी, तो बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक ये डीजेनरेट होती हैं, और प्यूबर्टी की एज तक पहुँचते पहुँचते केवल 60,000 टू 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स आर लेफ्ट इन ईच ओवरी। हम बात कर रहे हैं भाई, एम्ब्रियो स्टेज में मिलियंस ऑफ सेल थी जिन्हें बहुत सारे फॉलिकल्स बनाए थे, और ये कंटिन्यूसली डीजेनरेट होती जाती हैं, और प्यूबर्टी की एज तक पहुँचते पहुँचते 60,000 to 80,000 फॉलिकल्स ही बचते हैं एक ओवरी में। तो दो ओवरी है तो यानी 120,000 से लेके 160,000 टोटल जो है फॉलिकल्स, टोटल प्राइमरी फॉलिकल्स बचे होते हैं। अब इन प्राइमरी फॉलिकल्स की अगर हम बात करें, इनमें से पूरे लाइफ स्पैन में मैक्सिमम 350 से 400 तक ही फॉलिकल्स मैच्योर हो पाते हैं, और जब ये फॉलिकल मैच्योर होते हैं तभी ग्रेफियन फॉलिकल बनता है। यानी इतने में से केवल 350 से 400 फॉलिकल्स ही पूरे लाइफ स्पैन में मैच्योर होंगे। ठीक है, और मैच्योर होंगे तो तभी ग्रेफियन फॉलिकल बनेगा, और इतने ही नंबर जो है ओवम बनेंगे पूरी लाइफ स्पैन में। ठीक है, और ये एक साथ नहीं बनते, ये एक एक करके बनते हैं, और इनके मैच्योरेशन की जो साइकिल है उसे हम मंथली साइकिल बोलते हैं या मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये याद रखना है कि 60,000 टू 80,000 प्राइमरी फॉलिकल इन ईच ओवरी। ईच ओवरी को याद रखना, बोलना मत, क्वेश्चन जो है कंफ्यूजिंग यहाँ से बोल देता है कि एक ओवरी में था या दो ओवरी में था, तो हमें एक ओवरी का भी याद रखना है और दो ओवरी का भी याद रखना है। अगर एक याद रहेगा तो आप दो का आराम से याद रख सकते हो। ठीक है, अब ये डेवलपमेंट कैसे होता है ओजेनेसिस में देखते हैं। एक हो गया फॉलिकल यानी पूरे वो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, और एक होता है उस पर्टिकुलर सेल का डेवलपमेंट जो उस फॉलिकल के अंदर है जो फीमेल गैमेट बनने वाली है। ठीक है, सो डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल की बात करें तो सबसे पहले
प्राइमरी फॉलिकल बनता है, और प्राइमरी फॉलिकल में जो सराउंडिंग सेल्स होती हैं, ठीक है, जो सराउंडिंग सेल्स होती हैं वो एक लेयर बनाती हैं जिसे हम बोलते हैं ग्रैनुलोसा लेयर, ठीक है, ग्रैनुलोसा लेयर आप देखिए। और यहाँ पे पॉइंट आ जाता है, अ लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स सराउंडिंग अ प्राइमरी ओसाइट, एक लेयर होती है ग्रैनुलोसा सेल्स को जो सराउंड करती है प्राइमरी ओसाइट को, ठीक है। इसके बाद आता है सेकेंडरी फॉलिकल, ठीक है, सेकेंडरी फॉलिकल को अगर हम देखें तो मोर लेयर्स ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स, उन्हीं सेल्स की और भी लेयर्स अलग अलग फॉर्म में अरेंज हो जाती है, जिन्हें हम थीका कहते हैं। थीका मतलब वॉल, दो होती है, थीका इंटरना इनर वॉल, थीका एक्सटर्ना आउटर वॉल, ठीक है। तो ग्रैनुलोसा सेल्स होती हैं, उसके बाहर फिर थीका सेल्स यानी थीका लेयर अरेंज हो जाती है, थीका इंटरना एंड थीका एक्सटर्ना। टर्शरी फॉलिकल, हाँ ये करेक्शन, मैंने सेकेंडरी फॉलिकल कह दिया था, जो एंट्रम कैविटी है, यहाँ पे करेक्ट कर लेते हैं इसको, एंट्रम कैविटी जो है ये टर्शरी फॉलिकल में मिलती है बेटा, ठीक है। एंट्रम कैविटी कहाँ मिलती है? टर्शरी फॉलिकल में। एंट्रम कैविटी ये मिलती है टर्शरी फॉलिकल में, ठीक है, इसको आप करेक्शन करते हुए चलेंगे। छोटा सा एक्चुअली इसका फॉर्मेशन सेकेंडरी, आप एनसीईआरटी का डायग्राम देखेंगे तो इसका फॉर्मेशन सेकेंडरी जो फॉलिकल है उसमें स्टार्ट हो जाता है, लेकिन इसको रिमार्केबल कैरेक्टर माना जाता है, डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर माना जाता है किसका? टर्शरी फॉलिकल का, ठीक है। सो फ्लूइड फिल्ड कैविटी एंट्रम डेवलप हो जाती है, और ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है किसके लिए? जो इसमें जो सेल्स डेवलप हो रही हैं उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। थीका लेयर फॉर्म्स इनर थीका एक्सटर्ना एंड आउटर थीका एक्सटर्ना, जो थीका लेयर है वो आगे चल के दो लेयर बना लेती है, थीका इंटरना एंड थीका एक्सटर्ना, और जो उसके बाद आता है फुल्ली मैच्योर्ड फॉलिकल, ठीक है, उसके बाद आता है फुल्ली मैच्योर्ड फॉलिकल, और उस फुल्ली मैच्योर्ड फॉलिकल को हम कहते हैं ग्रेफियन फॉलिकल, ठीक है। फुली मैच्योर फॉलिकल को हम क्या कहते हैं? ग्रेफियन फॉलिकल। और ये ग्रेफियन फॉलिकल जो होता है इसके अंदर फुल्ली मैच्योर्ड जो सेल होती है विच इज रेडी फॉर ओविलेशन एंड रेडी फॉर फर्टिलाइजेशन, वो सेल होती है सेकेंडरी ओसाइट। कौन सी होती है? सेकेंडरी ओसाइट, ठीक है, सेकेंडरी ओसाइट वो सेल होती है विच इज रेडी फॉर ओविलेशन एंड रेडी फॉर फर्टिलाइजेशन। तो ओवुलेशन क्या होता है? जब ये ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर होगा, इसमें से फीमेल गैमेट बाहर रिलीज होगा, दैट इज ओवुलेशन, और वही आगे जाके फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। कैसे करेगा इसको हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो ग्रेफियन फॉलिकल को हम देखेंगे तो हमें कई लेयर्स इसमें दिखाई देंगी। कौन कौन सी लेयर हैं देखते हैं एक करके, फिर इनका डिटेल स्ट्रक्चर भी देखते हैं। हमें यहाँ पर दिख रहा है सबसे अंदर तो हमें एक सेल दिख रही है जो कि सेकेंडरी ओसाइट है, उसके चारों तरफ, ठीक है, उसके चारों तरफ हमें कोरोना रेडिएटा दिख रहा है, कुछ एक स्ट्रक्चर है जिसे हम क्यूमुलस ऊफोरस कह रहे हैं जिससे ये ग्रैनुलोसा सेल्स से अटैच है। सो ग्रैनुलोसा सेल्स की ग्रैनुलोसा लेयर दिख रही है, ठीक है, ग्रैनुलोसा लेयर, और उस ग्रैनुलोसा लेयर के बाद जो है यहाँ पर हमें एंट्रम कैविटी दिख रही है, देन इनर लेयर थीका इंटरना, आउटर लेयर थीका एक्सटर्ना, ठीक है। अभी इसमें कई सारी इन्फॉर्मेशन छुपी हुई हैं, क्या इन्फॉर्मेशन छुपी हुई हैं हम उनको डिटेल में देखेंगे, और डिटेल में देखने से हम पहले इस मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर देखेंगे, और उस मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल, ठीक है, मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल का जो स्ट्रक्चर है उसमें हम छोटी छोटी और कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं और क्या उनकी इंपॉर्टेंस है इसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर हमें जो सेल दिख रही है अंदर जो कि है सेकेंडरी ओसाइट, ठीक है। तो याद रखना है इसमें जो सेल पाई जाती है वो कौन सी है भाई? सेकेंडरी ओसाइट। ओवम नहीं होता कभी मत समझना इसको, ठीक है। ग्रेफियन फॉलिकल के अंदर जो सेल होती है वो होती है सेकेंडरी ओसाइट। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है। और इस ये जो सेकेंडरी ओसाइट है ये अपने चारों तरफ, याद रखना, अपने चारों तरफ एक सब्सटेंस सिक्रीट करती है, ठीक है, एक पॉलीसेक्राइड सिक्रीट करती है, और वो पॉलीसेक्राइड एक लेयर बना लेता है जो नॉन सेलुलर लेयर होती है, ठीक है। कौन सी होती है? नॉन सेलुलर लेयर, और उस नॉन सेलुलर लेयर को बोलते हैं जोना पेलुसिडा,
ठीक है, क्या बोलते हैं, जोना पेलुसिडा, ठीक है, जोना पेलुसिडा। और जोना पेलुसिडा के बाहर, ठीक है, एक स्पेस होता है, उसको हम बोलते हैं पेरीवाइटलाइन स्पेस। क्या बोलते हैं, पेरीवाइटलाइन स्पेस। और उस पेरीवाइटलाइन स्पेस के बाहर पाई जाती है कोरोना रेडिएटा सेल्स की लेयर, ठीक है, किसकी लेयर पाई जाती है, कोरोना रेडिएटा सेल्स की लेयर। तो अगर हम देखें, कोरोना रेडिएटा इज द फर्स्ट सेलुलर लेयर प्रेजेंट आउटसाइड सेकेंडरी ओसाइट, सेकेंडरी ओसाइट के बाहर जो पहली सेलुलर लेयर है वो है कोरोना रेडिएटा। इसके बाहर फिर हमें ये एंट्रम कैविटी मिल रही है जो फॉलिकुलर फ्लूइड से भरी होती है। ये फॉलिकुलर फ्लूइड, जो फॉलिकल सेल्स डीजनरेट होती हैं उन्हीं के डीजनरेशन से ये फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है। उसके बाहर हमें यहाँ पर ग्रैनुलोसा सेल्स की लेयर दिख रही है। ग्रैनुलोसा सेल्स बड़े इंपॉर्टेंट है क्योंकि ग्रैनुलोसा सेल्स ओवुलेशन के पहले ईस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रीट करती है और ओवुलेशन के बाद प्रोजेस्ट्रॉन और ईस्ट्रोजन दोनों सिक्रीट करती है। याद रखना, ग्रैनुलोसा सेल्स की ही लेयर है वो जो हार्मोन सिक्रीशन करती है। तो कभी क्वेश्चन आए कि एग्जैक्टली ओवरी में जो फीमेल हार्मोन सिक्रीट होता है वो कहाँ सिक्रीट होता है, कौन सिक्रीट करता है, तो वो सिक्रीट करती है कौन, ग्रैनुलोसा सेल्स जो ग्रेफियन फॉलिकल में प्रेजेंट होती है। और जब ग्रेफियन फॉलिकल ओवुलेशन के बाद, इसे कॉर्पस ल्यूटियम कहा जाता है, तो उसमें भी प्रेजेंट होती है। ग्रेफियन फॉलिकल में यानी ओवुलेशन के पहले, ओवुलेशन क्या होता है, द रिलीज ऑफ सेकेंडरी ओसाइट, ओवुलेशन के पहले ये ईस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रीट करती है और ओवुलेशन के बाद प्रोजेस्ट्रॉन और ईस्ट्रोजन दोनों सिक्रीट करती है। उसके बाद बाहर एक सेलुलर लेयर होती है थीका इंटरना और उसके बाहर थीका एक्सटर्ना। तो अगर सेलुलर लेयर्स की बात करें तो कौन कौन सी सेलुलर लेयर है भाई, कोरोना रेडिएटा भी सेलुलर है, जोना ग्रैनुलोसा सेल्स की लेयर भी सेलुलर है, थीका इंटरना भी सेलुलर है और थीका एक्सटर्ना भी सेलुलर है। नॉन सेलुलर कौन सी है, जोना पेलुसिडा, जिसका सिक्रीशन खुद सेकेंडरी ओसाइट ही करती है, और ये नॉन सेलुलर लेयर होती है। इस पॉइंट को याद रखना है, ठीक है। तो कौन कौन सी सेलुलर लेयर, कौन कौन सी नॉन सेलुलर लेयर, अंदर से बाहर की तरफ कौन सी होती हैं, जो हमें याद रखना है। तो यहाँ पर आ जाता है, द प्राइमरी ओसाइट विद इन द टर्शरी फॉलिकल ग्रोज इन साइज। तो जो टर्शरी फॉलिकल के अंदर प्राइमरी ओसाइट है, प्राइमरी ओसाइट यानी इमेच्योर ओसाइट, वो साइज में ग्रो करता है एंड अंडरगो अनइक्वल मियोसिस, और मियोसिस प्रोसेस में जाता है। अनइक्वल क्यों, क्योंकि दो सेल्स बनती हैं, एक वेस्टिजियल होती है, एक फंक्शनल होती है, ठीक है, इसलिए इसे अनइक्वल डिवीजन कहा जा रहा है। और मियोटिक डिवीजन कहा जा रहा है, यानी दोनों में हैप्लॉइड नंबर ऑफ, यानी हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे फ्रॉम देयर मदर सेल, हैप्लॉइड सेकेंडरी ओसाइट एंड अ टाइनी फर्स्ट पोलर बॉडी। हैप्लॉइड सेकेंडरी ओसाइट बनता है जो फंक्शनल होता है, और एक वेस्टिजियल सेल बनती है जिसे फर्स्ट पोलर बॉडी कहा जाता है। हम आगे अभी डायग्राम में देखेंगे। द सेकेंडरी ओसाइट रिटेन द न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म ऑफ द प्राइमरी ओसाइट। तो सेकेंडरी ओसाइट ही है जिसमें प्राइमरी ओसाइट का साइटोप्लाज्म आता है, और उसी साइटोप्लाज्म को ये गेन करता है और अपने आप को डेवलप करता है। इट इज अननोन दैट वेदर द फर्स्ट पोलर बॉडी डिवाइड्स फर्दर और डीजनरेट्स। तो ये अभी जो है, अगर हम बात करें कि प्राइमरी जो पोलर बॉडी है ये फर्दर डिवाइड करता है या नहीं डिवाइड करता, इसको लेकर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, लेकिन हम इसको नहीं जाते क्योंकि कुछ बुक्स में ऐसा लिखा है कि ये डिवाइड करके सेकंड पोलर बॉडी, या ऐसा बोला जाता है कुछ बुक्स में ऐसा लिखा है कि प्राइमरी जो फर्स्ट पोलर बॉडी है ये डिवाइड करके फिर फर्स्ट पोलर बॉडी बनाता है, जो कि करेक्ट नहीं है। तो हम इस पे अभी नहीं जाएंगे, ठीक है। ये हमारा ये वो कंट्रोवर्शियल पार्ट आते हैं, एनसीईआरटी में बहुत सी चीज़ें हैं जो कंट्रोवर्शियल हैं। तो एनसीईआरटी का एक बड़ा सिंपल सा नियम है कि भाई जो चीज़ कंट्रोवर्शियल है उसके बारे में हम कुछ बोलेंगे ही नहीं, ठीक है, क्योंकि जितनी बार एनसीईआरटी या सीबीएसई पीएमटी या एनटीए कंट्रोवर्शियल चीज़ों पे बोलता है वो उनकी जो है किरकिरी होती है, ठीक है, चाहे वो सेल डिवीजन का जो सेल साइकिल का फेजेस हो, G1S G2, ठीक है, उन पे भी उनने 2-3 बार क्वेश्चन दिए हैं और उन पे उनकी बड़ी किरकिरी हुई है, क्योंकि वो क्वेश्चंस देते कुछ हैं, पूछते कुछ हैं, और इससे उनका बड़ा मतलब थोड़ा सा
कॉम्प्लिकेशन में उनके कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता है, ठीक है, उनके एक्सप्लेनेशन में कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता है। तो एनसीईआरटी कहता है भाई जो चीज़ जैसी है हमको वैसी ही बताओ, ठीक है, हमको उसके बाद का कुछ नहीं पूछना, हमने जितना दिया है उतना हमको बताओ। तो उसके बाद की बात अपन नहीं करते, उसके बाद जो अपने काम की बात है वो है कि प्राइमरी ओसाइट के बाद जो सेकेंडरी ओसाइट बनता है और वो सेकेंडरी ओसाइट आगे कैसे अपना रोल प्ले करता है, ठीक है। द टर्शरी फॉलिकल फर्दर चेंजेस इंटू मैच्योर फॉलिकल। अब ये जो टर्शरी फॉलिकल है, ठीक है, जब इसमें सेकेंडरी ओसाइट बन जाता है तब ये मैच्योर फॉलिकल में बदलता है, यानी तब ये ग्रेफियन फॉलिकल में बदलता है, ठीक है। सेकेंडरी ओसाइट फॉर्म अ न्यू मेम्ब्रेन जोना पेलुसिडा, याद रखना हमने बोला एक नॉन सेलुलर लेयर है जिसे हम कह रहे हैं जोना पेलुसिडा। ग्रेफियन फॉलिकल नाउ रप्चर टू रिलीज सेकेंडरी ओसाइट, और ब्रैकेट में लिखा है ओवम। समझना इसको भाई, पूरे चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन में से ये लाइन है, ठीक है, जिस पर क्वेश्चन बनता है और जिस पे कंफ्यूजन भी बनता है, और कंफ्यूजन को क्लियर करेंगे। क्या कह रहा है कि ग्रेफियन फॉलिकल जो मैच्योर फॉलिकल है वो अब रप्चर करेगा और उसमें से सेकेंडरी ओसाइट रिलीज होगा, और ब्रैकेट में लिखा है ओवम। एक्चुअली होता क्या है, सेकेंडरी ओसाइट ये मैच्योर्ड गैमेट सेल नहीं है, यानी ये ओवम नहीं है। सेकेंडरी ओसाइट में जब मियोसिस टू होगा तब वो ओवम बनेगा। अब यहाँ पे दोनों को लिख गया है भाई, प्राइमरी ओसाइट में मियोसिस वन होता है तो सेकेंडरी ओसाइट बनता है, सेकेंडरी ओसाइट में मियोसिस टू होता है तो ओवम बनता है। ये बात को ध्यान में रखना, अभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि हम इसी को ओवम कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे एनसीईआरटी कह रही है कि हम इसी को ओवम कंसिडर करते हैं, क्योंकि भाई लोगों को समझाने के लिए भी तो कुछ बोलना है, ठीक है, लोगों को समझाने के लिए भी तो बोलना है। वो तो बोलेंगे भाई फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस या ओवुलेशन टेक्स प्लेस, रिलीज ऑफ ओवम, तो ओवम रिलीज होता है, ऐसा हर जगह हर किताब में लिखा गया। तो लोगों में ये चीज़ बड़ी कॉमन है कि ओवम रिलीज होता है, लेकिन साइंटिफिकली जब हम जाते हैं, टेक्निकल इश्यूज पर जाते हैं, तब हमें पता चलता है कि वो ओवम रिलीज नहीं हो रहा है, वो सेकेंडरी ओसाइट रिलीज हो रहा है जिसे हम ओवम कहते हैं, ठीक है, सेकेंडरी ओसाइट रिलीज हो रहा है जिसे हम ओवम कहते हैं। तो ये ओवम ब्रैकेट में एग्जैक्ट ओवम नहीं है, इट इज रिप्रेजेंटेड एज ओवम, ठीक है, तो लेकिन रिलीज क्या हो रहा है, सेकेंडरी ओसाइट। अब इसका जब मियोसिस टू होगा तब ये ओवम बदलेगा, तब ये ओवम बनेगा। तो कब ये मियोसिस टू होगा और कब ओवम बनेगा, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड रिलीज ऑफ सेकेंडरी ओसाइट फ्रॉम ग्रेफियन फॉलिकल बाय रप्चर ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल इज नोन एज ओवुलेशन, ठीक है। सो ग्रेफियन फॉलिकल से रिलीज होना क्या कहलाता है, ओवुलेशन कहलाता है। किसका रिलीज होना, सेकेंडरी ओसाइट का, जिसे हम ओवम मान रहे हैं, ठीक है, ओवम है नहीं, ओवम मान रहे हैं, ये पॉइंट को हमें ध्यान में रखना है। आ जाते हैं वापस ऊजेनेसिस के प्रोसेस पे। ऊजेनेसिस के प्रोसेस को हम देखेंगे तो सबसे पहले जो प्राइमोडियल सेल्स बनती हैं, प्राइमोडियल ओसाइट्स बनती हैं, वो प्राइमोडियल ओसाइट्स जो हैं सबसे पहले जर्म सेल के डिवीजन से बनती हैं, तो वो बन जाती हैं ऊगोनिया, एंड ऊगोनिया इज़ ए डिप्लॉइड सेल, एंड डिप्लॉइड सेल दिस ऊगोनिया हैज़ 46 क्रोमोजोम्स। इसमें कितने क्रोमोजोम्स पाए जाते हैं, 46 क्रोमोजोम, और इसमें माइटोसिस होता है फॉर सेवरल टाइम टू मल्टीप्लाई एंड इंक्रीज इट्स नंबर। और जब माइटोसिस बंद होता है तो जो सेल बनती है वो क्या है, प्राइमरी ओसाइट, यानी ये भी डिप्लॉइड सेल है जो ओगोनिया में माइटोसिस से बनी है। दिस प्राइमरी ओसाइट ग्रोज इन साइज, ठीक है, ये प्राइमरी ओसाइट अपना साइज बढ़ाती है, अभी कोई डिवीजन नहीं हो रहा, साइज को इंक्रीज कर रही है, एंड देन अंडरगो मियोटिक डिवीजन, और उसके बाद ये मियोटिक डिवीजन में एंटर करता है, यानी मियोसिस में एंटर करता है। तो सबसे पहले मियोसिस की पहली स्टेज जिसे हम बोल रहे हैं मियोसिस वन। सो मियोसिस वन मैंने बोला था ये मियोसिस का पहला स्टेप है, ठीक है, पहली स्टेज है मियोसिस की जिसे हम मियोसिस वन कह रहे हैं, प्रायर टू ओवुलेशन, और ये ओवुलेशन से पहले होता है, ठीक है। मियोसिस वन जब कंप्लीट होता है तो बनता है सेकेंडरी ओसाइट। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट और आ जाता है,
ठीक है, ध्यान से सुनना, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आ जाता है। ये जो मियोसिस वन है, ठीक है, ये जो मियोसिस वन है, जब हम इसकी बात करेंगे तो हम आपको एक स्टेटमेंट बताने की सोच रहे हैं। दिस मियोसिस वन स्टार्ट्स इन एम्ब्रियो स्टेज ऑफ फीमेल। ये फीमेल के एम्ब्रियो स्टेज में ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, यानी बर्थ से पहले। तो इसके स्टार्ट होने के बाद बर्थ पाई जाती है, फीमेल की बर्थ होती है। एंड दिस मियोसिस वन कंप्लीटेड आफ्टर रीचिंग द एज ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी की एज में पहुंचने के बाद ये कंप्लीट होता है। और इसमें कितना टाइम लगता है? 12 टू 13 टू 14 ईयर, 12 से 14 ईयर्स लग जाते हैं। तो ये जो मियोसिस वन है, ठीक है, ये जो मियोसिस वन है, ये मियोसिस वन सबसे लंबा सेल डिवीजन बन जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे लंबा प्रोफेज वन पाया जाता है, ठीक है, इसमें सबसे लंबा प्रोफेज वन पाया जाता है। और इसीलिए फीमेल में होने वाले ऊजेनेसिस को, या ऊजेनेसिस में जो मियोसिस होता है, इट इज़ कंसिडर्ड एज द लॉन्गेस्ट सेल डिवीजन, इसे लॉन्गेस्ट सेल डिवीजन कहा जाता है। तो ये मियोसिस वन को कंप्लीट होने में 12 से 14 ईयर्स का टाइम लग जाता है, 12 टू 14 ईयर्स का टाइम लग जाता है, ठीक है। और जब ये कंप्लीट होता है तभी ओवुलेशन होता है, क्योंकि इसके कंप्लीट होने के बाद बनता है सेकेंडरी ओसाइट एंड फर्स्ट पोलर बॉडी। एक हम देख रहे हैं हैप्लॉइड यहाँ पे, सेकेंडरी ओसाइट, और एक वेस्टिजियल सेल दिख रही है जो कि है फर्स्ट पोलर बॉडी। अब यहाँ पे होता है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, ठीक है, ये फर्टिलाइजेशन जब होगा तब इसका सेकेंड स्टेप होगा मियोसिस टू। जब फर्टिलाइजेशन होगा तब इसका सेकेंड स्टेप होगा मियोसिस टू, और जब मियोसिस टू होगा देन दिस सेकेंडरी ओसाइट अंडरगो मियोसिस टू एंड फॉर्म्स ओवम, तभी ये ओवम बनाएगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो ये मियोसिस टू का स्टेप भी नहीं होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए इफ इट हैपन दैट फर्टिलाइजेशन इज नॉट गोइंग टू हैपन, देन दिस मियोसिस टू विल ऑल्सो नॉट गोइंग टू हैपन, एंड द सेल आफ्टर कंप्लीटिंग इट्स लाइफ स्पैन इट विल डीजेनरेट, एंड द लाइफ स्पैन ऑफ सेकेंडरी ओसाइट इज 48 टू 72 आवर्स आफ्टर ओवुलेशन। तो ओवुलेशन के बाद ये 48 से 72 आवर्स तक वायबल रहेगा, यानी इस बीच में ये फर्टिलाइजेशन कॉज कर सकता है। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है देन दिस सेल विल डीजेनरेट, और डीजेनरेट होने के बाद जो फेलोपियन ट्यूब का एपिथीलियम है वो इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, एंड इट इज़ एब्जॉर्ब बाई एपिथीलियम ऑफ फेलोपियन ट्यूब। और वैसा ही स्पर्मेटोजोआ में भी था, कि अगर स्पर्मेटोजोआ इजैकुलेट नहीं होते हैं, उनका लाइफ स्पैन है 24 to 48 आवर्स, और वो इजैकुलेट नहीं होते हैं देन दे डीजेनरेट एंड दे आर एब्जॉर्ब बाई एपिथीलियम ऑफ जो डक्टल पार्ट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, उसके एपिथीलियम से वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। तो याद रखना है ओवम तो भाई हमेशा तो बनेगा नहीं, ओवम जब भी ये ऊजेनेसिस होगा सभी ऊजेनेसिस में ओवम नहीं बनेगा, लेकिन अगर ऊजेनेसिस कंप्लीट होती है तो सेकेंडरी ओसाइट सभी ऊजेनेसिस का रिजल्टेंट सेल होगा। ओवम तभी बनेगा जब फर्टिलाइजेशन पॉसिबल होगा, ठीक है, जब फर्टिलाइजेशन हो रहा है तभी केवल ओवम बनेगा, ठीक है। और ये हमें दिख रहा है वो ओवम का स्ट्रक्चर जो फर्टिलाइजेशन के समय बनता है बाय कंप्लीटिशन ऑफ मियोसिस टू, ठीक है, मियोसिस टू। और याद रहे मियोसिस टू से भी एक वेस्टिजियल सेल बनती है जिसे सेकेंड पोलर बॉडी कहा जाता है, सेकेंड पोलर बॉडी याद रखना है, सेकेंड पोलर बॉडी बनता है मियोसिस टू से, फर्स्ट पोलर बॉडी वेस्टिजियल सेल बनती है मियोसिस वन से, ठीक है। तो उम्मीद है ये पॉइंट्स आपको इसके बारे में समझ में आए होंगे। आगे इसको देखते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ ओवम, और इसका कंपैरिजन करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्मेटोजोआ से जो हमने देखा है। सो ओवम के स्ट्रक्चर की जब हम बात करेंगे भाई, ये बॉडी की सबसे, फीमेल बॉडी की बात करें, फीमेल बॉडी में पाई जाने वाली लार्जेस्ट सेल होती है, और स्पर्मेटोजोआ मेल बॉडी में पाई जाने वाली स्मॉलेस्ट सेल होती है, ठीक है। अब सोचो बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग फैक्ट है, एक बॉडी की सबसे लार्जेस्ट सेल और एक बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट सेल, एक फीमेल बॉडी की लार्जेस्ट सेल और एक मेल बॉडी की स्मॉलेस्ट सेल, इन दोनों का फ्यूजन होता है टू परफॉर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और फर्टिलाइजेशन।
सो स्ट्रक्चर ऑफ ओवम में इट इज स्फेरिकल एंड नॉन मोटाइल. स्फेरिकल होता है, नॉन मोटाइल होता है. साइज इज अबाउट 0.2 मिलीमीटर इन डायमीटर. वन कैन सी ओवम बाय इट्स नेकेड आइज. कोई भी अपनी नेकेड आइज से ओवम को देख सकता है. वन कैन सी इतनी छोटी नहीं होती कि हमें दिखाई ना दे. ओवम हैज़ 3 मेम्ब्रेन. इसमें 3 मेम्ब्रेन पाई जाती है. सबसे पहले इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या ऊलेमा कहते हैं, एंड इट इज़ द इनर मोस्ट लेयर. ठीक है, ये इसके प्रोटोप्लाज्म को कवर करती है, ऊलेमा. उसके बाहर जोना पेलुसिडा. जोना पेलुसिडा इट इज़, मैंने बताया, नॉन सेलुलर लेयर है. और ये क्यों बनती है, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, जोना पेलुसिडा जब फॉर्मेशन होता है तो ये इम्परमीएबल बना देती है. ठीक है, कि कोई भी स्पर्म इसमें आसानी से एंटर ना करे. और जब भी स्पर्म का एंट्रेंस इसमें पेनिट्रेशन होता है, एंटर करता है, तो उसे जोना पेलुसिडा मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करना पड़ता है. और इसकी वजह से क्या होता है, ये केवल एक सिंगल स्पर्म को ही अलाउ करती है. उसके बाद ये कम्प्लीटली इम्परमीएबल हो जाती है, जिसकी वजह से कोई दूसरा स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म सेल ओवम में एंटर नहीं कर पाता. एंड दिस इज़ पॉसिबल ओनली ड्यू टू जोना पेलुसिडा. और ये जोना पेलुसिडा की वजह से ही पॉसिबल है. सो आउटर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर पाई जाती है. और उसके बाहर फिर जो है कोरोना रेडिएटा. तो कोरोना रेडिएटा वही फॉलिकल सेल्स थी जो मिलकर ओवेरियन फॉलिकल और उनके मैचुरेशन में हेल्प कर रही थी. एंड इट इज द आउटर लेयर फॉर्म्ड ऑफ फॉलिकल सेल्स. फॉलिकल सेल्स से बनने वाली ये आउटर लेयर है, जिसे कोरोना रेडिएटा कहते हैं. यहाँ पर एक हमें कैविटी भी, मेम्ब्रेन स्पेस छोटा सा दिखता है, जिसे पेरीवाइटलाइन मेम्ब्रेन या पेरीवाइटलाइन स्पेस कहते हैं. नॉट मेम्ब्रेन, पेरीवाइटलाइन स्पेस कहते हैं. ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर ऑफ ओवम है जो हमें याद रखना है. इसके बारे में इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कब बनता है, जब फर्टिलाइजेशन हो रहा है. एक कंपेरिजन ज़रूर देखेंगे, क्योंकि इनके कंपेरिजन से भी क्वेश्चन आने की और कॉन्सेप्ट बिल्डअप की बड़े इंपॉर्टेंट पॉसिबिलिटीज रहती हैं. स्पर्मेटोजेनेसिस और ऊजेनेसिस और कुछ डिफरेंसेस हम अपनी तरफ से भी बताएंगे, जो आपको हेल्प करेगा एग्जाम के क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को समझने में. ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस ऑकर इन टेस्टिस. स्पर्मेटोजेनेसिस टेस्टिस में होता है. ऊजेनेसिस ऑकर इन ओवरी. स्पर्मेटोजेनेसिस लिमिटेड ग्रोथ फेज, यानी इसका जो फॉर्मेशन है, इसमें जो ग्रोथ फेज होती है वो लिमिटेड टाइम में ही कंप्लीट हो जाती है. और ऊजेनेसिस इलेबोरेटेड ग्रोथ फेज, बहुत लंबा टाइम लगता है इसको कंप्लीट होने में. ईच प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड गिव 4 स्पर्म. यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया. ईच प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म बनते हैं. एंड ईच प्राइमरी ऊसाइड गिव इन ओनली 1 ओवम. सो हर प्राइमरी ऊसाइड से केवल 1 ओवम बनेगा, ये याद रखना है. नो पोलर बॉडीज का फॉर्मेशन, वेस्टिजियल सेल्स का फॉर्मेशन स्पर्मेटोजेनेसिस में नहीं होता है, लेकिन पोलर बॉडीज का फॉर्मेशन ऊजेनेसिस में पाया जाता है. फर्स्ट पोलर बॉडी भी बनती है और सेकंड पोलर बॉडी भी बनती है. फर्स्ट पोलर बॉडी मियोसिस 1 के कंप्लीट होने पर बनती है, और सेकंड पोलर बॉडी मियोसिस 2 के कंप्लीट होने पर बनती है. ठीक है, बिगिन एट प्यूबर्टी एंड एक्सटेंड अप टू सेलिनिटी. यानी जब तक मेल में स्पर्म फॉर्मेशन हो रहा है, उसकी कोई फिक्स एज मेल में नहीं होती, तो उसे सेलिनिटी कहते हैं. जब तक उसमें टेंडेंसी है स्पर्म फॉर्मेशन करने की, अप्रॉक्स अगर हम एक स्टडी बताइए, एग्जैक्ट एनसीईआरटी की बात नहीं है, लेकिन एक रफ एक स्टडी बताते हैं, तो लगभग 67 to 70 years की एज तक मेल में जो है स्पर्म फॉर्मेशन पाया जाता है. सो बिगिन एट द एज ऑफ प्यूबर्टी एंड एक्सटेंड अप टू सेलिनिटी. एंड ऊजेनेसिस की बात करें तो बिगिन एट एम्ब्रियोनिक स्टेज. तो ऊजेनेसिस कब स्टार्ट हुआ था, एम्ब्रियोनिक स्टेज में, बट सस्पेंड अप टू प्यूबर्टी. और प्यूबर्टी तक ये अरेस्ट स्टेज में रहता है. किसमें, मियोसिस 1 में, क्योंकि मियोसिस 1 में सबसे लंबा जो स्टेज था वो प्रोफेज 1 था. इट सीजेज अराउंड द एज ऑफ 50 years. तो जो ऊजेनेसिस का प्रोसेस है, ये 50 years की एज में पहुंचकर बंद हो जाता है. तो 50 years की एज में कुछ ऐसा इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है जिसकी वजह से ये बंद हो जाता है. तो क्या इवेंट होता है और क्यों ये बंद होता है, वो तो हम आगे देखेंगे.
लेकिन 50 इयर्स की एज में पहुंचने पर जो ओवम या ओवम का रिलीज होना या ओजेनेसिस बंद हो जाता है वो होता है मीनोपॉज की वजह से। ठीक है, किसकी वजह से? मीनोपॉज, जो फीमेल में पाई जाती है बाय रीचिंग एज ऑफ 50 इयर्स। तो ये अगर हम याद करना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं मीनोपॉज की वजह से। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे और कुछ इंपॉर्टेंट कंपेरिजन थे, हमने आपको बता दिया कि जो लाइफ स्पैन है स्पर्मेटोजोआ का और ओवम का, ये लाइफ स्पैन भी याद रखना है। स्पर्मेटोजोआ में मोटिलिटी पाई जाती है, ओवम नॉन मोटाइल होता है, इसमें मोटिलिटी प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अगला जो पार्ट है हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिस्कस करेंगे। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है भाई, इसके बारे में एक डिस्क्रिप्शन देखें। सो इट इज़ अ रिप्रोडक्टिव साइकिल विच टेक्स प्लेस इन प्राइमेट्स फीमेल। तो मैमल्स में एक ग्रुप है प्राइमेट्स, और इसके अलावा जो मैमल्स हैं वो सभी नॉन प्राइमेट्स हैं। ठीक है, तो प्राइमेट में जो फीमेल्स हैं उनमें एक रिप्रोडक्टिव साइकिल पाई जाती है जिसे कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये पॉइंट को याद रखना, फीमेल प्राइमेट्स इन मैमल्स। ठीक है, मैमल्स में केवल, प्राइमेट्स में, और प्राइमेट्स में भी फीमेल्स में पाई जाती है ये रिप्रोडक्टिव साइकिल जिसे बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो प्राइमेट्स के अलावा बाकियों में कौन सी साइकिल होती है उसको हम डिस्कस करेंगे, उनमें पाई जाती है ईस्ट्रस साइकिल। ठीक है, तो प्राइमेट्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल और बाकी जो हैं वो नॉन प्राइमेट्स हैं उनमें ईस्ट्रस साइकिल पाई जाती है, जो इसी से थोड़ी सी मिलती जुलती है लेकिन काफ़ी कुछ अलग होती है। सो ये एक रिप्रोडक्टिव साइकिल है जो पाई जाती है केवल फीमेल में। देखते हैं क्या होता है इसमें। सो इट इज़ अ साइक्लिक इवेंट स्टार्टिंग फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टिल द नेक्स्ट दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव पीरियड द प्यूबर्टी टू मीनोपॉज ऑफ ए वुमेन्स लाइफ। तो थोड़ा सा इसके बारे में दो चार पॉइंट लिख लीजिए। पहला पॉइंट है कि इट इज़ अ रिप्रोडक्टिव साइकिल। कब स्टार्ट होता है? स्टार्ट होता है बाई रीचिंग द एज ऑफ प्यूबर्टी, और जब प्यूबर्टी की एज में पहुंचने पर ये स्टार्ट होता है तो उसे कहते हैं मीनार्च। ठीक है, ये याद, पॉइंट याद रखना है मीनार्च। ठीक है, इसकी ड्यूरेशन कितनी होती है? ये साइक्लिक प्रोसेस है जो रिपीट करता है। ड्यूरेशन इज 28 to 29 days, याद रखना। ठीक है, 28 to 29 days, और इसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल या मंथली साइकिल या रिप्रोडक्टिव साइकिल भी कहते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज आल्सो सीन इन अदर प्राइमेट्स। ठीक है, अदर प्राइमेट्स, मैंने बोला प्राइमेट्स में केवल ह्यूमन नहीं आते, प्राइमेट्स में ही मिलेगा लेकिन फीमेल प्राइमेट्स में मिलेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट को हमें याद रखना है। तो ये भी हम लिख लेते हैं, फीमेल प्राइमेट्स में पाई जाती है, और फीमेल प्राइमेट्स किस में पाए जाते हैं भाई? मैमल्स में। सो जब भी हम मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करते हैं तो बड़ा इसमें दो ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें चेंजेस देखे जाते हैं। एक ओवेरियन साइकिल में चेंजेस देखे जाते हैं, यानी ओवरी में जो साइक्लिक प्रोसेस चल रहा है उसमें चेंजेस देखे जाते हैं, और दूसरा यूटरस की वॉल में चेंजेस देखे जाते हैं। ठीक है, यूटराइन साइकिल में भी उसमें चेंजेस देखे। तो हमें यहाँ पे दो इवेंट, दो अलग अलग स्ट्रक्चर में हो रहे साइक्लिक इवेंट को एक साथ कंसिडर करना है। एक साइक्लिक इवेंट जो ओवरी में हो रहा है और दूसरा साइक्लिक इवेंट जो यूटरस में हो रहा है। ठीक है, ओवरी में अलग ये प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस रन करता है, और यूटरस में अलग तरीके से ये साइक्लिक प्रोसेस रन करता है। देखते हैं कैसे ये प्रोसेस रन करता है। सो ओवरी में जब चेंजेस होते हैं तो क्या क्या चेंजेस होते हैं? तो फॉलिकल में चेंजेस आते हैं, हार्मोनल चेंजेस आते हैं, और ओवरी मतलब जो गैमीट सेल बन रही है उस गैमीट सेल में भी चेंजेस आते हैं। और जब यूटराइन यानी यूटरस में जब चेंजेस आते हैं तो उसमें जो चेंजेस हैं वो उसकी वॉल की थिकनिंग में चेंजेस देखने को मिलते हैं, एंडोमेट्रियम हम जिसकी बात कर रहे थे। सो चेंजेस इन यूटरस, ओविडक्ट एंड वजाइना, ये चेंजेस यूटराइन साइकिल में देखे जाते हैं, मेनली यूटरस है, हालांकि कुछ चेंजेस वजाइना और कुछ चेंजेस ओवरी में भी हमें दिखाई देते हैं। ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इसके बारे में एक अभी थोड़ा सा हम ओवरव्यू लेते हैं,
फिर हम इसकी डिटेल देखेंगे। ओवरव्यू ये है कि ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इसमें तीन मेन फेजेस हैं और एक छोटा फेज है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि तीन मेन फेजेस पाई जाती हैं। कौन कौन सी तीन मेन फेजेस हैं? पहला मेंस्ट्रुअल फेज, मेंस्ट्रुअल फेज जो 1 से 5th डे तक पाया जाता है। दूसरा फॉलिकुलर फेज जो 5th से 13th डे तक पाया जाता है। थर्ड एक छोटा सा 1 डे का इवेंट मिलता है ओवुलेटरी फेज, यानी ओवुलेशन जिस दिन होता है, और एंड ओवुलेशन टेक्स प्लेस ऑन द 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल पर ये होता है। और उसके बाद आता है सिक्रेटरी फेज या ल्यूटियल फेज, और ये ल्यूटियल फेज ओवुलेटरी फेज के ख़त्म होने से 28 डे तक रन करता है। ठीक है, तो हाफ ऑफ द साइकिल में ल्यूटियल फेज या सिक्रेटरी फेज पाया जाता है, जो 14 से या 15वें से 28वें दिन यानी 14 डेज की साइकिल होती है। इस 14 डेज का ये फेज होता है, और बाकी 14 डेज में मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफरेटिव फेज और ओवुलेटरी फेज तीनों होते हैं। ठीक है, मेन जो है मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज और सिक्रेटरी फेज को माना जाता है। ऐसा कंसिडर करते हैं ओवुलेटरी फेज इज अ ट्रांजिशन, ये एक ट्रांजिशन है फ्रॉम फॉलिकुलर फेज टू ल्यूटियल फेज। फॉलिकुलर फेज यानी जो सेकेंड साइकिल, सेकेंड स्टेज है, उससे 4th स्टेज में जब ट्रांजिशन हो रहा है, तो उसके बीच का एक ट्रांजिशन स्टेज है जिसे हम ओवुलेटरी फेज कहते हैं। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। क्या इन स्टेजेस में होता है, क्या इन फेजेस में होता है, जिनको हम अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में भी हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, इन्हीं साइकिल को एक बार फिर से हम रिव्यू लेंगे और इन साइकिल्स में प्रोसीड करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा ये डिस्क्रिप्टिव प्रोसेस है और क्वेश्चंस इससे बहुत बनते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन से अगर कहीं से क्वेश्चन नहीं आता है तो इसी से सबसे ज़्यादा चांसेस होती हैं क्वेश्चन आने की, क्योंकि हर बार नीट में देखा गया, अगर आप क्वेश्चन उठाएंगे तो 10 बार अगर क्वेश्चन पूछा गया है तो 5 से 6 बार 5 to 6 times केवल मेंस्ट्रुअल साइकिल और इसी से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत सारे टेक्निकल पॉइंट्स हैं जो हमें कंसिडर करके चलने हैं। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।